Hello friend, how are you? Welcome to Tirupan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैप्टर मध्यकालीन भारत में संस्कृति विकास। देखिए मध्यकालीन में भारत में जो है संस्कृति विकास बहुत हुआ और ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे वो भक्ति संत हो या सूफीवादी हो। कहते हैं सारे संत जो थे बहुत काफी महत्वपूर्ण थे संस्कृति विकास के अंतर्गत। तो सबसे पहले हमारे समक्ष आया है सूफीवादी, यानी सूफी के बारे में आपको पता ही होगा, ये सिलसिला बहुत काफी महत्वपूर्ण था सूफीवाद, इसे हम सूफीवादी भी कहते हैं। अगर देखा जाए सूफी शब्द जो है इस्लाम के रहस्यमय धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी सूफी जो है रहस्यमादी धार्मिक विचारों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है और यह 11वीं शताब्दी तक एक पुण्य विकसित आंदोलन का रूप ले चुका था और इसे बहुत से मानने वाले जो है आ चुके थे। कहते सूफी संत सूफियों द्वारा कठिन मार्ग को अपना कर ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने पर जोर देते थे, यानी सूफियों के द्वारा जो है सूफी संत जो है ईश्वर के साथ जो है प्रत्यक्ष संपर्क बनाया करते थे। सूफीवाद अथवा रहस्यवाद 8वीं शताब्दी में उदय हुआ और शुरुआती सूफी में रविया उल उदवाई और अल जुनैद तथा वलयजीद बस्तमी का नाम उभर कर आता है, यानी ये जो थे सूफियों बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थे, चाहे रविया उल अदवाई हो चाहे अल जुनैद या बयजिद बस्तमी का नाम काफ़ी फेमस था इसके अंतर्गत। सूफीवादी का मूल्य आधार ईश्वर मनुष्य और उन दोनों के मध्य संबंध को स्थापित करना था। तो समझ सकते हो आप कितने महत्वपूर्ण बात है कि सूफीवादी का मूल्य आधार जो था ईश्वर और मनुष्य के संबंधों को उजागर करना था और उनके प्रेम को दर्शाना था कि ईश्वर से हम मनुष्य कैसे प्रेम करते हैं। तो ये सूफी में काफ़ी बात निकटता की बात कही गई है। उनका मानना है कि इंसान का उदय रूह यानी आत्मा, कुर्वत यानी दैवी निकटता, तो हलूल यानी देवी रूप में मिलाप के सिद्धांतों से हुआ है। यानी सूफी ये बात को साफ करते थे कि आत्मा हो या हलूल हो या कहते हैं कुर्वत हो, सब जो है इंसानों को जो है मिला के इन्हीं सिद्धांतों जो है ईश्वर ने हमें बनाया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। इंसान और खुदा के रिश्तों से ही प्रेम यानी पवित्र प्रेम का फना, खुद का समर्पण। देखिए प्रेम हो या फना हो, कहते ऐसे वर्ड हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है ईश्वर के प्रति अपना जो है खुद को समर्पित करने का। यानी देखा जाए फना का मतलब होता है खुद का जो है समर्पण कर देना ईश्वर के समक्ष। यानी ऐसे लोगों को सूफी कहा जाता था जिनका हृदय पवित्र होता था तथा जो अपनी तपस्या तथा खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों को द्वारा खुदा को जो है वार्तालाप भी किया करते थे। देखा जाए तो जो सूफीवादी थे तपस्या करते थे और खुदा को पाने के लिए प्रेम के सिद्धांतों को द्वारा खुदा को वो वार्तालाप भी किया करते थे, यानी बातचीत भी करते थे खुदा से। मुरीद यानी शिष्य, देखिए मुरीद जो होता था शिष्य कहलाते थे, कोई ईश्वर के साथ यह वार्तालाप करने के लिए प्रक्रिया का जो है मकामात यानी विभिन्न चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। यानी इसके लिए सिलसिला में जो है कुछ चरण बनाए गए थे जिस चरण से गुजरना सभी जो है मुरीद को आवश्यक थी। देखा जाए तो खानाखा यानी धर्मशाला सूफियों के विभिन्न वर्गों के गतिविधियों का केंद्र होती थी। खानाखा जो होता था एक धर्मशाला के रूप में होता था जहाँ पर सूफियों के जो है विभिन्न वर्गों के गतिविधियाँ वहीं पर ही केंद्रित होती थी। खानाखा शेख पीर और मुर्शीद शिक्षक द्वारा संचालित होती थी, यानी इसको जो है खानाखा को यानी धर्मशाला को शेख चलाते थे, पीर और मुर्शीद के द्वारा ही चलाए जाते थे। कहते अपने मुरीदों को जो है वो साथ रहा करते थे और साथ के साथ खानाखा शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र में तब्दीलित होती चली गई। यानी धीरे धीरे खानाखा जो था शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विभक्त हो गया। 12वीं शताब्दी तक सूफी विभिन्न रूपों में संगठित होते चले गए, यानी 12वीं शताब्दी में देखा जाए तो सूफी विभिन्न रूपों में संगठित हुए। इन रूपों में सिलसिला का मतलब कड़ी तथा यह पीर तथा मुरीद के निरंतर कड़ियों को बतलाता था। पीर की मृत्यु के पश्चात गुवंत तथा मकबरा
दरगाह उसके मुरीदों द्वारा जनुयायियों के लिए केंद्र बन जाता था। यानी आप समझ सकते हो कि उनके जो है कहते पीर की मृत्यु के पश्चात उन्होंने गुबान मकबरा और दरगाह बनाए जहाँ पर वो केंद्र के रूप में उस समय प्रचलित हो गई। दसवीं शताब्दी में इस्लामी साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूफी पंथ का विस्तार हुआ। ईरान, खुरासान, ट्रांसोकेनिया, मिस्र, सीरिया तथा बगदाद पर मुख्य सूफी केंद्र हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हो कि दसवीं शताब्दी में चाहे ईरान हो, खुरासान हो, ट्रांसोकेनिया हो, मिस्र हो, सीरिया हो या बगदाद हो, ये सारे के सारे जो थे सूफी केंद्र के रूप में उस समय दसवीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे। अल गजली जो था 1059 से लेकर 1111 ईस्वी तक सर्वाधिक सम्मानित जो है सूफी संतों में से एक माने जाते थे। यानी ये काफ़ी जो है शब्द प्रिय थे। उन्होंने सूफी रहस्यवाद को इस्लाम में उचित जगह दिलाने के लिए सूफी रहस्यवाद को इस्लामी परंपरा के अनुकूल बनाया। उन्होंने शिक्षा के लिए आध्यात्मिक गुरु के मार्ग को दर्शन को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही सर्वोच्च सत्ता पैगंबर साहब को महत्व और जो उनके नियमों को पालन पर बल दिया। यानी देखा जाए तो इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कहते दसवीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के अंतर्गत यानी कौन थे अल गजली जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने बताया कि स्वतः सत्ता यानी पैगंबर साहब के महत्व और उनके नियमों के पालन पर बल देने के लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया। भारत में सूफी पंथ की शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुआ। कहते अल हुजवीरी उन्होंने उत्तरी भारत में स्वयं को स्थापित किया और उन्हें लाहौर में दफना दिया गया तथा उन्हें जो है उपमहाद्वीप का सबसे पुराना सूफी संत होने का गौरव भी प्राप्त है। भारतीय मध्यकालीन इतिहास में प्रमुख के सूफी सिलसिले हैं चिश्ती, सुरावादी, कदारिया और नक्शबंदी। ये कहते चारों जो हों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। चाहे वो चिश्ती हो, सुरावादी हो, कदारिया हो, नक्शबंदी हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले हैं। कहते हैं ये चार भागों में विभक्त है। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है कि भारत में मध्यकालीन इतिहास में जो सूफी कितने भागों में विभक्त थे तो ये चार भागों में विभक्त थे, चिश्ती, सुरावादी, कदारिया और नक्शबंदी। सल्तनत काल में चिश्ती तथा सुरावादी सिलसिला लोकप्रिय था। देखिए सल्तनत काल में जब सल्तनत बनी यानी सुल्तान का समय था तो उस समय जो है चिश्ती और सुरावादी काफ़ी लोकप्रिय था। कहते पंजाब तथा सिंध में जहाँ सुरावादी सक्रिय थे वहीं चिश्ती दिल्ली, राजस्थान और गंगा के पश्चिमी क्षेत्रों में जो है प्रेम का संदेश फैला रहे थे। सल्तनत काल के अंत तक गंगा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र बिहार तथा बंगाल दक्कन तक फैल चुके थे और मध्यकाल में सूफियों ने इस्लामी जो है धर्म तत्व विषयक सिद्धांत जैसे बहाउदूत, उल वजूद, जीवन की एकता का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा जो है जियारत या दरगाह पर जाने की प्रक्रिया जैसे आदतें को विकास करने का भी प्रोत्साहन दिया। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण था चिश्ती, सुरावादी, कहते ये काफ़ी लोकप्रिय भी था सल्तनत काल के दौरान। यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया कि भारत में शुरू हुए सूफी मत की क्या विशेषता थी, तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है सूफी जो है विशेषता क्या थी। तो देखा जाए पहली विशेषता के रूप में तो यही बताता है कि सूफी विभिन्न सिलसिला यानी क्रमों में व्यवस्थित थे। यानी एक क्रम था इसका। इसमें से अधिकतर सिलसिलाओं की शुरुआत प्रसिद्ध सूफी संत या पीरों ने ही की थी। उनके नाम पर ये चलते थे तथा शिष्य उनका जो अनुसरण भी किया करते थे। सूफियों का मानना था कि खुदा की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक गुरु या पीर की आवश्यकता होती है। पीर अपने शिष्य के साथ खनाखा में रहते थे। यानी क्या खनाखा, तो आप समझ ही गए हो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी देखा जाए धर्मशाला, जहाँ धर्मशाला जहाँ पर सभी जो है शिष्य और पीर मिल के रहा करते थे। खनाखा धर्मशाला सूफी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यानी सूफी के जितने भी गतिविधियां होती थी वो सारे के सारे धर्मशाला या खनाखा जिसे कहते हैं उसमें हुआ करती थी। खनाखा ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरे जो कि जो है मदरसों से जो है स्वरथा भिन्न थे। बहुत से सूफी संतों ने संगीतमय धार्मिक सभा तथा सम का अपना खनाखा में आनंद उठाया। इस काल के दौरान संगीत की नई
विद्या कवाली का विकास हुआ। कवाली से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, तो कहते हैं सूफी को ही देन है। ज़ियारत तथा सूफी संतों की दरगाहों की तीर्थ यात्रा भी एक महत्वपूर्ण रस्म बनकर उभर आई है। सूफी संत जो है चमत्कार में विश्वास करते थे। लगभग सभी पीर खुद को द्वारा किए गए चमत्कारों से जुड़े हुए हैं। यानी देखा जाए सूफी संत में तो चमत्कार सभी सूफी संतों ने किया है, लोगों को जो है आकर्षित भी किया है। राज तथा शासन के बारे में हर सूफी सिलसिला का मत अलग अलग था। यानी सबका जो है राजतंत्र और शासन के लिए सबका विचारधारा अलग अलग थी।